नमस्कार, मैं राहुल स्वामी आपका स्वागत करता हूं। आज की खबर इस प्रकार। वार्ड नंबर 94 के कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर दास जीवनानी ने आज अपने वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान जगह जगह लोगों द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। ठाकुर दास जीवनानी ने बताया कि जनसेवा के लिए सदैव तटपर रहकर लोगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करेंगे। के वार्डवासी क्या बोल रहे हैं या क्या समर्थन आ रहा है आपके लिए? वार्डवासी पूरी पब्लिक अब प्रशासन बदलना चाहते हैं, बदलना काम करवाना चाहते हैं, काम के इच्छुक हैं। पहले के पूर्व के जो पार्षद रह चुके हैं बीजेपी वाले, उन्होंने विकास कोई कार्य नहीं किया वार्ड 94 का, क्या पूरी जयपुर शहर का ही नहीं हुआ है। पूरी शहर में गंदगी के ढेर लगे हैं, पानी की है, बिजली की है, पार्कों की है, काफ़ी समय से पूरे जयपुर शहर की है। अच्छा, ये बताइए और आप ना जो भी काम कर रहे हैं ये निस्वार्थ ही हो रहा है आपके? ये निस्वार्थ ही वार्ड 94 के कार्यकर्ता हमारे जीवनानी भाई और वैजनानी भाई, ये सारे मिलजुल के सब निस्वार्थ। हमें वार्ड 94 का मतलब हम एक साथ ही मिला के पूरी मतदाताओं की पर्चियाँ बना रहे हैं। हाँ जी। हम रात तक बना के सवेरे तक हर घर पहुंचा देंगे कि किसी को भी अपना हाँ। मत देने में दिक्कत नहीं आए, परेशानी नहीं आती, वो अपना मत स्वतंत्र देते हैं। और ये आप कब से लग रहे हैं इसमें? ये कल से लग, ये दो दिन से लग रहे हैं हम। दो दिन से आप कर रहे हैं और घर घर जाके स्वयं भी इसको बांटेंगे आप? पर्चियाँ तो बांटेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल। प्रत्याशी के बारे में कुछ दो शब्द आप। प्रत्याशी इन जैसा ये शुरू से ही समाज सेवा करते रहे हैं, इनके लिए पानी की व्यवस्था वगैरह और सफाई में किसी काम में पीछे नहीं हटते हैं। अब पार्षद बनने के बाद सब का विकास होगा। आपका नाम? इनके ऊपर विश्वास है, सुरेश कुमार। सर आप कुछ दो शब्द इनके बारे में। मेरा नाम भगवान वैजनानी है। जो ठाकुर दास जी हैं ये निस्वार्थ काम कर रहे हैं और ये सभी के लिए निस्वार्थ ही हमेशा तत्पर रहते हैं, पब्लिक के लिए हमेशा जागरूक है और इनकी इनसे हमें काफ़ी उम्मीद है, जो हमारी सारी उम्मीदों में खड़े उतरेंगे। पब्लिक में खासा जोश है इनके प्रति। ठीक है, थैंक यू।